अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये हमारे गांव जंगली गुरचाही मुडला का करबला है, जो पहले मतलब ऐसे ही था, खाली ऐसे पड़ा रहता था, थोड़ा एक छोटा सा चौक बना हुआ था ऐसे जैसे छोटा सा दिख रहा है, लेकिन अभी थोड़ा दरगाह टाइप का बना दिया गया है। यहाँ पे 22 गांव का जो मौजा है मुडला है, वो तो खैर रोज़े आते ही हैं, बाकी कई और गांव के मिला करके करीब 40 गांव के रोज़ा यहाँ पर आते हैं। और ये करीब जगह बहुत काफ़ी थी, लोगों ने इधर उधर से जोत लिया हुआ है, कुछ इधर तालाब में चला गया खंती में, तो ऐसे ऐसे जो है मतलब जगह काफ़ी है। और यहाँ से आगे जो दिख रहा है ये कब्रिस्तान है, वो हमारे गाँव का ही है सब। ये रेलवे ने जो मतलब पहले 132 नंबर क्रॉसिंग था, 33 नंबर जो क्रॉसिंग हटा करके इसे बना दिया है, मतलब अंडरग्राउंड रास्ता जिसे सब्बे कहा जाए, तो ये जो पतरा दिख रहा है ग्रीन टाइप का, ये वो रास्ता है। तो हमने सोचा कि इसका भी एक वीडियो डाला जाए, ताकि मतलब ये मालूम पड़े कि मतलब यहाँ करबला है। ये रेलवे लाइन है, गोंडा से गोरखपुर लूप लाइन थी पहले, अब बड़ी लाइन में तब्दील हो गई है। इस पर मतलब बम्बई की गाड़ियाँ चलती हैं, दिल्ली की गाड़ियाँ चलती हैं, और पैसेंजर भी हैं, अभी बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। और ये जो दिख रहा है हुजरा, ये मतलब रोज़ा टाइप का बना दिया गया है, मुहर्रम में फूल माला जो भी लेकर के आते हैं वो यहाँ पर फातिहा होती है, पाइक होते हैं वो यहाँ झूमते हैं, यहाँ धूनी दिया जाता है। ये जो दिख रहा है ये यहाँ धूनी दिया जाता है, और इधर सारी जो फील्ड दिख रही है इस पर पूरा सब ताजिया रहती है, यहाँ पूरा सब ये ताजिया रहती है, पूरा मेला बहुत ज़ोरदार होता है यहाँ पर मुहर्रम का। और ये सब कृषि योग्य ज़मीनें हैं, और ये पूरी मतलब यहाँ पे ताजिया ही रहती है मुहर्रम के दिन। पिछले साल लॉकडाउन से मुहर्रम नहीं हुआ, इस साल हो सकता है कि इंशाल्लाह हो जाए, अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि ख़ास करके मुहर्रम ईद बकरीद में ही बंदी आ जाती है। खैर कोई बात नहीं, ये रोड है जो मतलब करबले से गुजरता हुआ इधर दूसरे ग्राम सभा को जोड़ता है, जुंगली कला और लालबोझी इस पे जुड़ता है। और ये पुलिया देखो जर्जर हो गई है, पूरी टूट गई है, ये देखो शायद अब बन जावे। ये पूरा कब्रें हैं हमारे यहाँ का, ये कब्रिस्तान है ये पूरा जो दिख रहा है। ये देखिए ये रास्ता है ईदगाह जाने के लिए, आगे ईदगाह है, और ये सारे सब जो मतलब कब्रिस्तान है, इधर पूरी कब्रें हैं, इधर का एरिया अभी खाली है, और अल्लाह पाक का एहसान है कि हमारे बुज़ुर्गों ने ये सारी चीज़ अलाट करवा के रखा था। आज के डेट में ना हम करा पाएंगे, ना हमको दूसरी जगह मिलेगी, और ना हमारे में से कोई इस तरह से है कि जो मतलब इसे अलाट करवा सके या और कहीं ज़मीन ले सके, अगर कम पड़ा तो हमें ख़रीदना ही पड़ेगा अब। तो मेरे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा माय चैनल को, फैजान अशरफ यूट्यूब चैनल। यहाँ मैं आया कि ईदगाह का जो है मतलब डाल सकूं, तो ये आगे हैं हम ईदगाह का, ये जो दिख रहा है मेन गेट है, ये मेन गेट है, और ये सामने जो ऊँचा जो मिट्टी दिख रही है ये हमारे अब्बू जान का कब्र है। ये देखिए ये
मिंबर है ईदगाह का जो दिख रहा है। अब लादी वादी भी लग गया है इसके अंदर, अब काफ़ी खूबसूरत बन गया है, बहुत अच्छा बन गया है। अभी ये देखो पूरा नीचे कोटा लग गया है, ये टोटल। ये पहले छोटा था लेकिन जब इसको बनाया गया तो इसमें जो है 9-10 फुट और बढ़ा दिया गया है ताकि जगह बड़ा हो जाए, क्योंकि आए दिन जगह कम ही पड़ेगा। ये चारों तरफ से दिखाता हूँ, ये पूरा एरिया है, ये इस एरिया को हमने गांव वालों से बात किया था कि इतने एरिया को पार्ट करके इतना ऊंचा कर दिया जाए कम से कम, ताकि कोई मैयत अगर बरसात के महीने में हो, चारों तरफ पानी भरा हो, तो यहाँ रखा जा सके। लेकिन क्या हुआ कि भाई ना हम सरबराह रहे ना हमारे टाइम में ये हो पाया। अब जो हैं वो जाने, उनका काम जाने, हम क्या कह सकते हैं भाई, लेकिन नहीं हो पाया। और ये ईदगाह का पीछे का हिस्सा है, ये जो है ये पीछे का हिस्सा है, ये मिंबर है। ये देखो तार जो है ये गलत तरीके से बांध दिए हैं ला करके, लेकिन हमारे गांव में कोई इसके लिए बोलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सरहद का जो है जगह है। खैर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह इसका फैसला करेगा।